भ्रष्टाचार में लिप्त तहसीलदार फरेंदा धन उगाही का वीडियो वायरल। तरफ शासन प्रशासन द्वारा नागरिकों के अधिकार व सहायता हेतु न्याय के लिए तहसील न्यायालय बनाया गया है, तो वहीं न्याय की कुर्सी पर बैठे जनपद महाराजगंज के तहसील फरेंदा मजिस्ट्रेट तहसीलदार नरेश चंद्र भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त हैं कि उन्हें गरीबी से कोई सहानुभूति नहीं है। पीड़ित ने अपना पहचान गोपनीय रखने की शर्त से वीडियो प्रकाशित करने हेतु पत्रकारों को वीडियो देने के साथ ही उच्च अधिकारियों के व्हाट्सएप नंबर पर भी वीडियो भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। सूत्रों द्वारा पता चला, जनपद महाराजगंज के फरेंदा तहसील में कार्यरत तहसीलदार नरेश चंद्र भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त रहते हैं कि उन्हें उच्च अधिकारियों का भी कोई खौफ नहीं है। वह आए दिन इस प्रकार के कृत्य करते रहते हैं जो अत्यंत निंदनीय है। वायरल वीडियो में तहसीलदार फरेंदा नरेश चंद्र पीड़ित की पत्रावली पर हस्ताक्षर करने हेतु 500 रुपए से लेकर अपनी शर्ट के ऊपर की जेब में रखने के पश्चात हस्ताक्षर बना रहे हैं। साथ ही वैश्विक महामारी COVID-19 में पूरा देश लड़ रहा है, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग कर रहा है। वहीं तहसीलदार साहब कोरोना वायरस को आज भी मजाक मानते हुए शासन प्रशासन द्वारा जारी आदेशों की धज्जियां खुलेआम उड़ा रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है, तहसीलदार साहब के टेबल पर ना तो सैनिटाइजर दिख रहा है और ना ही मुंह पर मास्क। एक तरफ रोड पर गरीब आदमी बिना मास्क के अपने किसी निजी जरूरी कार्य से जल्दबाजी में भूलवश सड़क पर निकल पड़ता है, तो उसके मुंह पर मास्क न होने की वजह से उसका चालान काट दिया जाता और उससे 100 रुपए भी वसूल कर लिए जाते हैं। परंतु खुलेआम कार्यालय में इस प्रकार बिना मास्क के तहसीलदार साहब का बैठना, शासन प्रशासन की आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाना उनकी लापरवाही का द्योतक है। देखना यह है कि क्या ऐसे भ्रष्टाचारी तहसीलदार पर शासन प्रशासन का चाबुक चलता है या फिर न्याय दिखावा सिद्ध होगा।